नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस समय चर्चा में बने हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि उत्तर प्रदेश में महज 3 दिन के लिए आई थी, उसका आज अंतिम चरण है और आज शामली में इस यात्रा का विराम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि यात्रा भी चलेगी, यात्रा भी लंबा चलेगी और 30 जनवरी के आसपास इसका अंत होगा, यात्रा का अंत। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह, इस यात्रा में जिस तरह से लोगों की सहानुभूति आई, शुभकामनाएं आई, तो वही कुछ दल ऐसे भी रहे जिसमें जुड़ भी गए और अपनी सहमति भी जताई कि भाई यात्रा अच्छी है और फिलहाल इस यात्रा का उद्देश्य भी अच्छा है। अब यात्रा कितना प्रभाव डालेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर इन बातों के बीच एक महम मुद्दा और है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहले से सक्रिय हैं और सक्रियता के चलते वो लगातार नेतृत्व की तरह, अग्रणी नेतृत्व की तरह काम करते नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य जो रखा है उसके लिए लगातार मेहनत जा रही है। पहले विदेश के दौरों पर उनके मंत्री और अधिकारी गए और लगभग 7.25 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है। तो मुख्यमंत्री अब देसी निवेश को लुभाने के लिए भी यहाँ पर मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई पहुंचकर उन्होंने जो उद्यमी है उनसे मुलाकात की और जो प्रदेश के मूल उद्यमी है जो वहां पर अन्य जगहों पर काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात की और जो फिल्म उद्योग से जुड़ी तमाम हस्तियों से उनकी मुलाकात हो रही है। कारण निवेश, कारण आने वाले समय में फिल्म सिटी को उत्तर भारत में यानी नोएडा में स्थापित करना और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री ने रखा है, यूपी सरकार ने रखा है, उसको पूरा करना। क्योंकि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा, जब तक विकास नहीं होगा तब तक आम जनता को राहत कैसे मिलेगी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से लोगों का जनाधार दिख रहा है, हजूम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शायद अब 24 में कुछ परिवर्तन होगा, अब 24 में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या ये जनाधार केवल जनाधार दिख रहा है, या फिर आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो जनाधार है वो वोट में तब्दील हो जाए या ये वोट में तब्दील ना भी हो जाए। हालांकि जनाधार देख के या भीड़ देख के हम किसी की इस क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो जो भीड़ है वो वोट में तब्दील होगी, क्योंकि इस तरह का जनाधार हम तमाम समय पर देख चुके हैं। अगर हम बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जिस तरह सक्रिय रही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था और बड़ी भीड़, बड़ी महिला शक्ति की भीड़ दिखाई देती थी, तमाम तरह के मैराथन भी की गई और भीड़ बताती थी कि शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब अपनी उस स्थिति पर आ जाएगी शायद जिसके लिए जानी जाती है। पर यहाँ पर जनाधार, मैंने आपको बताया कि भीड़ से जनाधार वोट में तब्दील होना एक अलग बात है और भीड़ तो आई, लड़कियां भी आई, महिला शक्ति भी आई, 40% सीट भी दी गई महिलाओं को, पर जो स्थिति रही वो ये रही कि महज 2 सीटों में कांग्रेस पार्टी सिमट गई। अब सिमटने का कारण क्या रहा ये शायद जनता जानती होगी या फिर जानते होगी स्वयं कांग्रेस पार्टी। पर इस बीच में जिस तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई है 10 राज्यों में, 2 केंद्रशासित प्रदेशों में और 9वें राज्य से आज इस यात्रा की विदाई हो गई है। अब 10वां राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में यात्रा रहेगी और कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा जम्मू कश्मीर जाके खत्म होगी। स्थिति क्या बनेगी कांग्रेस की, राहुल गांधी की, या जो छवि राहुल गांधी की बनाई हुई है या कही जाती है, उनको तमाम तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है, क्या उस छवि के विपरीत राहुल गांधी ने अपना ऐसा व्यक्तित्व लोगों के बीच रखा है, हो सकता है कि अब बदलाव हो जाए कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधित्व में, कांग्रेस पार्टी की व्यवस्थाओं में, समीकरणों में और स्वयं कांग्रेस पार्टी की नींव समझने वाले राहुल गांधी में। क्योंकि जब तक यहाँ पर बदलाव नहीं होगा तब तक आप तमाम जो लक्ष्य आपने बना रखे हैं उसको पूरा करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि संभव तभी होगा जब लक्ष्य के लिए मेहनत होगी, संभव तभी होगा जब लक्ष्य के लिए काम किया जाएगा, संभव तभी होगा जब लक्ष्य पे एकाग्रचित होकर उसको भेदने के प्रयास किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वास्तव में आपको केंद्र की सत्ता में पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश में आपको सबसे पहले अपनी जो भूमिका स्पष्ट करनी होगी। उत्तर प्रदेश में भूमिका स्पष्ट करना इतना आसान नहीं है कि बीजेपी यहाँ पर लगातार दूसरे कार्यकाल में अपनी शुरुआत कर चुकी है, तो वही समाजवादी पार्टी भी 111 विधायक लेकर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेहमान जुड़ चुका, प्रसाद मिश्रा कुशल
भारतीय जनता पार्टी पक्ष रखेंगे, अजय चंद चौबे कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में फारवन प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, और पवन श्रीवास्तव जी अभी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से, चौबे जी भाई यहाँ पर यात्रा है और यात्रा का मेरे ख्याल से मुखरता आपके चेहरे पर नजर आ रही है, यात्रा खुश खुश है आप, और जिस तरह से यात्रा का जनाधार दिख रहा है सर आपके चेहरे पर उत्साह भी नजर आ रहा है, पर चौबे जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा का जनाधार जो नजर आ रहा है वो बोर्ड में तब्दील होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और अभी यात्रा का जो जनाधार था वो आप देख लीजिए हिमाचल के चुनाव में बिल्कुल वोट में तब्दील हुआ। और अच्छा, माननीय राहुल गांधी जी के गई नहीं, ये तो उस जैसे सूर्य भगवान उगते नहीं है उससे पहले ही अरुणोदय। सूर्य भगवान कौन है बता दीजिए? तो सूर्य भगवान कौन है बता दीजिए? वैसे ही एक भाई आपके नेता राहुल गांधी को भी राम का राम की तुलना करते हैं, भगवान राम की तुलना कर देते हैं। के शेर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वक्त की आंधियों ने बहुत से दख्तों को गिराया होगा। अच्छा, तूफान से लड़ने वाला हर शख्स डगमगाया होगा। अच्छा, अगर करते हैं अपनी ताकत पे भरोसा तो डरना क्या, कोई बहुत तपा होगा तब जाके वक्त का सिकंदर कहलाया होगा। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी आज वक्त के सिकंदर का अवतार ले चुके हैं। अच्छा, आज वक्त के सिकंदर हो गए, और निश्चित तौर पे ये सिकंदर आगे आने वाले चुनाव में सबको मात दे देंगे, कोई नहीं ठहरेगा। किसको मात दे देंगे, किस किस को? जो भी इस देश में मौका परस्त, फिरका परस्त, अवसरवादी, जुमलावादी ताकते हैं, ऐसे ताकतों को निश्चित तौर पे माननीय राहुल गांधी जी शिकस्त दे देंगे। और कबीर दास जी की पंक्ति के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो माननीय पंडित राहुल गांधी जी पे आक्षेप लगता रहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर पढ़े सो प्रेम का सो पंडित हो। अच्छा, निश्चित तौर पे तो राहुल गांधी बयान भी जैसे देते हैं उनके बयानों पर जैसे तो भाई बदील बनती है, इसीलिए तो उनको उनका मफल उड़ा लेते हैं। ये तो भाजपा के आईटी सेल का कमाल है कि बोलते हैं राहुल जी तो बीच में कुछ क्लिप को काट के कहीं का रोड़ा कहीं का टुकड़ा भानुमती का कुनमा राहुल गांधी ऐसे करके देश को लोग नेता भी हमारे देश में उनका क्यों नहीं होता है भाई? पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लेके भाजपा की सोशल मीडिया किस पे अटैक करती है सबसे ज्यादा? अच्छा, माननीय राहुल गांधी जी पे ही तो करती है, बाकी दूसरे पे तो नहीं करती है ना। अच्छा, तो इसीलिए उनका बनाते खतरा तो प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से। महिमामंडा सुन लिया, ठीक है। ये बताइए कि आपने कहा चौबी जी योगी जी वहां गए हैं भाई, मुंबई पहुंचे, वहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री निवेशकों को लुभा रहे हैं, न्योता दिया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, कैसे देखते हैं इस आप उनके दौरे को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा एक फेल्योर दौरा है, पूरी तरह से फेल है। अच्छा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने मंत्रियों इन्वेस्टर्स को लाने के लिए विदेश भेजा था, टूर पे भेजा था, सरकारी खर्चे पे भेजा था। किसके खर्चे पे जाएंगे भाई? इन्वेस्ट तो देश में कुछ आया नहीं। अच्छा, लेकिन खर्च उल्टा हो गया। अच्छा, और पिछले बार भी इन्वेस्टर समिति की बैठक लखनऊ में हुई थी। तो आप ही बता दें या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछ लें, क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कहीं कहीं इन्वेस्ट हो गया? अच्छा, अरे ढूंढने की क्या जरूरत है? अच्छा, जब देश के 139 करोड़ के लोगों की पूंजी लूट के आपने उनको कंगाल बना के, उनकी नौकरी छीन के, उनपे महंगाई की मार दे के, सिर्फ सारा पैसा दो उद्योगपतियों के पास आपने जमा कर दिया। अच्छा, और कुछ उद्योगपति मित्रों को कर्ज दे के भगा दिया। अच्छा, तो उन्हीं को क्यों नहीं आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, उन्हीं से हर जिले में फैक्ट्री उद्योग धंधे लगा लेते हैं? जब किसी के पास पैसा ही नहीं है उनको आप उद्योगपति बताते हैं। पिछले बार भी इन्वेस्टर समिति में ऐसा एक भद्दा मजाक हुआ था और आपकी मीडिया ने खुलासा किया था कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स आए थे कि जिनका टर्न ओवर 10 लाख रुपए भी नहीं था, और वो दावा करके गए थे कि 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे यूपी में, और पब्लिक तो बहुत खुश है। अच्छा, लास्ट में अच्छा, इंडस्ट्री लगने में समय कितना लगता है? तुरंत लग जाती है क्या जी इंडस्ट्री? तुरंत लग जाती है क्या?
2014 में तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गई थी, मैं तो 17 की बात की बात और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा कार्यकाल है। अच्छा, तो इंडस्ट्री अगर लगाने की इच्छा शक्ति रही होती तो वो तो हो ही गया होता। अच्छा, और रह गई बात कोरोना की, तो कोरोना का कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की इमेज ब्रांडिंग तो होती ही रही ना। अच्छा, इमेज ब्रांडिंग होती रही, वो तो नहीं रुका ना। अच्छा, मतलब गैस अगर चलता था, ऑक्सीजन अगर चलता था, तो वही ऑक्सीजन के टैंकर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद रोक के पटना में करते थे, उसी एक सिलेंडर ने बनारस में करते थे, मतलब पब्लिक सर राज्य की स्थिति में पता है की पड़ी थी। आपके राज्य में सरकार है वहाँ का क्या, मुझे सब पता है सर, छोड़िए छोड़िए। हमारे राज्यों के सरकारों में उतनी कई मौतें नहीं हुई, आप छत्तीसगढ़ का मॉडल पेश है, मौतें नहीं हुई, पूरा कोरोना कंट्रोल में रहा, राजस्थान में भी रहा, अच्छा, और पंजाब में भी रहा, जबकि पंजाब में विश्व से मतलब विदेश से आने वाले सर्वाधिक लोग अगर किसी राज्य में आए तो वो पंजाब में आए, लेकिन हमारी पार्टी आपने रोक लिया, कोरोना रोक लिया, कोरोना से बॉन्डिंग थी, चलो पूरी तरह सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ पेशान मिश्रा कुशल है, बीजेपी नेता से। पेशान भाई, आपने चौबे की पूरी बात सुनी, क्या तर्क रखेंगे आप चौबे की भारत जोड़ो यात्रा पे और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की मुंबई दौरे पे? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। चौबे जी ने बातें बहुत सारी बताई। हाँ। ये लोग राहुल गांधी जी के परिवार वाला जो प्रेम है, हाँ, उस प्रेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके महिमा मंडन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसा राहुल गांधी जी को अगर जो इस भयंकर ठंड में ठंड नहीं लग रही है, हाँ, उसी प्रकार उनके प्रवक्ता महोदय या उनके पार्टी के जो भी नेतागण है, हाँ, उनके अंदर से भी वो भाव नहीं निकल पा रहा है कि एक परिवार की गुलामी के अलावा कोई काम कर नहीं सकते हैं जी। दूसरी बात, अभी उन्होंने बताया कि पंडित राहुल गांधी जी, वो पंडित की तरफ से है भाई, बता रहे चौबे जी, पूछ लेंगे अभी। अब बहुत सारी बातें हैं, अगर जो उन बातों पे हम लोग जाएंगे जी, तो चर्चा बहुत दूर तक होगी। अच्छा, तो बता दीजिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी के जो पीआरओ हैं, पंडित विजय सिंह के वो किस जाति के हैं, आपने हिंदू नामकरण रखा है, इंद्रेश जी आपके प्रचारक हैं माइनॉरिटी सेल के, अल्पसंख्यक के ही तो हैं, हिंदू नाम रखा है, तो क्या हिंदू नाम रखने से वो हिंदू हो जाएंगे? आप देश में सिर्फ देश को तोड़ने का काम करते हैं और देश को गुमराह भी करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के इशारे पर सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के लिए बनी थी, जो आज बदलते बदलते जनसंघ और आरएसएस का रूप मिल गई इनको, संजीवनी मिल गई। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को हिंदू मुसलमान और न जाने किसमें किसमें विभक्त करती आज जा रही है। मैं तो गौरव जी जाने ही नहीं पाया अभी तक कि आखिर ये कौन से भारत टूटे हुए भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। ये भारत जब ये खुद कह रहे हैं कि 139 करोड़ भारतवासी इस भारत के नागरिक हैं, हाँ, तो इनको इस भारत में टूटा हुआ क्या नजर आ रहा है जी? अरे ये टूटा हुआ इनको नजर आता है तो पीयूके हमसे टूटा, हाँ, अरुणाचल का हिस्सा इनके समय में हमसे गया, चाइना के द्वारा कब्जा किया उस इनके समय में गया जी। उस हिस्से को तोड़े, उस हिस्से को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। बता दीजिए कि दिन के उजाले में भारत की सेना गई थी लाहौर तक, बांग्लादेश टूटा था, हिंदुस्तान नहीं टूटा था, इनके समय में इस भारत के छिन्नता भिन्नता हुई, इस भारत में गरीबी बढ़ी, इनके इनके आपके कार्यकाल में कार्यकाल चीजों का नाम भूलता है, चार किलो अनाज पे आपने 80 करोड़ लोगों को रख दिया है, निश्चित तौर पे 2004 से लेके 14 क्या वो रोटी नमक से खाएंगे क्या? दाल सब्जी खरीदने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, इतना गैस सिलेंडर बनाने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, इनको पटक दिया। अच्छा, ठीक है ठीक है, 2004 से लेके 14 के बीच में इनकी जो दुर्गति हुई, उसके बाद इन्होंने पूरे देश के पैसे को लूटने का काम किया, इनके आधा से ज्यादा तो आप एक भी घोटाला नहीं साबित कर पाए, रहते राजा कनी मोझी किसकी सरकार में रिहा हुए, जोड़ों की बात करते हैं तो मैं तो कहूंगा सरकार में गए हमारी सरकार में, मैं तो कहूंगा तो आप बताइए, आप तो आरोप लगाते थे पहले राउंड में, ऐसे नहीं होता, पहले राउंड चलाइए, बोलिए अभी बाद में जब बातें होने लगेंगे तो बोलेंगे। बोले 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 जल्दी बोल। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो इनके नेता भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, हाँ, तो
तो भारत जोड़ो के लिए भारत के जो छिन्न भिन्न अंग हुए थे उनको जोड़ने की बात करें। हमारी पार्टी तो कह रही है, आप अपने मौके बोल चुके, बोलिए। हमारी पार्टी तो कह रही है कि हम, हमारा जो हिस्सा हमसे अलग हुआ है, हम अखंड भारत की कल्पना रखते हैं जी, और उस अखंड भारत की कल्पना के आधार पर हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने धारा 370 हटाई कश्मीर में, इनके समय में कश्मीरियों को बिरयानी खिलाई जाती थी जी, जो वहाँ के अलगाववादी नेता होते थे उनको बिरयानी खिलाई जाती थी, उनका महिमा मंडन किया जाता था। हाँ, अलगाववादी नेता हुआ करते थे उनके समय में आकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलके जाते थे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये सब वो सब दौर भी हमने देखा है, कश्मीर के विस्थापितों का भी दौर देखा है। वो सब दौर देखने के बाद राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। ये भारत अखंड भारत है, अखंड भारत था, अखंड भारत रहेगा। ये कांग्रेस के लोग देश को बदलाने की कोशिश न करें, जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ चुका है। अब ये सिर्फ भ्रष्टाचार, इनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ देश में भ्रष्टाचारी के नाम पर एक भाई। भाई कैसे देखते भाई, यात्रा निकल रही है, आपने भी शुभकामना दे रही है, अगली चरण में पत्र लिखकर शुभकामना। यात्रा का हम स्वागत करते हैं जी। हर वह व्यक्ति जो भारत को जोड़ने की बात करता है, अच्छा, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक, पिछले 8 वर्षों से एक सांप्रदायिक ताकत भारत में शासन कर रही है। ये क्या सांप्रदायिक ताकत, क्या बोल दिया भाई आप? जिसके पास हिंदू और मुसलमान के सिवा अच्छा कोई भी इशू नहीं है, अच्छा, और भारत को तोड़ने में जितने भी ताकत लगा सकती है उन्हें लगा दिया है। ठीक, तो स्वागत करते हैं राजीव गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, वो यात्रा कर रहे हैं जी, शुभेच्छा और शुभकामनाएं। अच्छा, दूसरा विषय आपने जो कहा कि इन्वेस्टर समिति हो रही है जी, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से अपेक्षा तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग बात किसी अन्य जगह पे चले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 2018, 2019 और 2022 में जो इन्वेस्टर समिति हुई है उसको सदन में श्वेत पत्र लागू करें और बतावें कितना पैसा आया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने लोगों को नौकरी मिली। ठीक, एक उदाहरण देता हूं खाली, बोल लीजिए। 2018 के इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स में है, 4,28,000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ, 500 कंपनियों ने किया, 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी। लेकिन जब भारत सरकार इसको आंकती है, पहले तो इस पे वो श्वेत पत्र लावे माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा। अब जो भारत सरकार आंकती है जी कि 11 से 2017 तक जो हमारी जीडीपी भी बढ़ रही थी वो 6.9% के हिसाब से बढ़ रही थी। अच्छा। और 17 से 20 में घट के 5.6 रह गई। अच्छा। तो अगर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आए थे तो जीडीपी क्यों घट गई? और सुन ले भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जी और दूसरे पार्टी के लोग, कितनी शर्म की बात है, 6 साल से यहाँ पे शासन है, 8 साल से केंद्र में शासन में, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की प्रति महीने की आय 3,700 रुपए है, इसमें सारे इंडस्ट्रीज की भी आय जुड़ी हुई है। तो इतना पैसा आया था वो चला कहाँ गया? फिर अब आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुंबई में कहा है कि आप जब हमारे वहां इन्वेस्टमेंट करिएगा तो कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, या संविधान की रूप में कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए भारतीय संविधान ने अलग अलग विभाग गठित किए हैं। उद्योग विभाग है, विद्युत विभाग है, लेबर ऑफिस है, आबकारी ऑफिस है, पर्यावरण विभाग है। अच्छा। वो हस्तक्षेप करेगा, करना चाहिए, यह भारतीय संविधान है। अच्छा। तो अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिति में ऐसी बातें कर रहे हैं जाके,
या तो उनको अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी कि ये गैर संविधान सम्मत बात है। वो तो सिंगल विंडो सिस्टम से सबको एनओसी दे दी जाए, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर ले, क्यों हस्तक्षेप करेगी भाई? जो बातें कह गई हैं जो लाइट में आ गई हैं उसकी दशा में कही जाएंगी, उसका अर्थ क्या होता है वो सदन में खड़े होकर बता देंगे। चलिए पूछ लेंगे, पूछ लेंगे। दूसरा, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी, जो बात 2018 में कही थी वही रिपीट किया है कि इस उद्योग जो आप लोग जो एमयू करके वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। ठीक है, तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय उद्योग ऑफिस बन जाएगा, यह प्रश्न है मेरा। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से नहीं है, विपक्ष की समस्या क्या है? नहीं कोई दिक्कत इस बात है कि मॉनिटरिंग देना ये है नहीं, अलग विभाग बनाए गए। क्या समस्या भाई, मुख्यमंत्री अगर उसको नेतृत्व कर अलग अलग विभाग बनाए गए, मॉनिटरिंग की जाएगी तो उसमें दिक्कत क्या है? उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि हमारे वहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सड़क की। अच्छा, तो सड़क की कनेक्टिविटी जो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है बहन मायावती जी ने बनाई थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। अच्छा, आज उसकी हालत यह है कि उस सड़क पर व्यवसायिक वाहन चलते ही नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं चलते हैं कि इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है कि उसमें व्यवसायिक वाहन चल ही नहीं सकते हैं। बस डिबेट पे ही चर्चा, किस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं? बड़ा है तो विपक्ष केवल डिबेट पर चर्चा करेगा। ठीक है, और सुन लीजिए, हो गया। मैं फिर नहीं, एक बात और कहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कहिए मुख्यमंत्री जी, जल्दी बोल लीजिए। उन्होंने कानून व्यवस्था पे आश्वासन दिया है मुंबई में, और उन्होंने कहा है कि जब से मैं आया दंगा नहीं हुआ है। हाँ, दंगा हुआ है क्या? और जब एनसीआरबी एक सेकंड सुन तो लीजिए, सुना लीजिए। एनसीआरबी जब दंगा रही है तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश दंगों में नंबर 3 पे है। अच्छा, एनसीआरबी झूठ बोल रही है या माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? तो आप एनसीआरबी रिपोर्ट पे बताना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ झूठ कौन बोल रहा है? एनसीआरबी ने गलती से 2012 ये तो वो लोग जाने की बात है। ठीक है, हो गया। नहीं, एनसीआरबी रिपोर्ट मेरे पास है, पर दंगे को लेकर नहीं है। अब सुन लीजिए जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है पूरे भारतवर्ष में जी, तो जो पूरे भारत सारी कमियां उत्तर प्रदेश में है, विपक्ष क्यों शांत बैठा हुआ है? विपक्ष आता है नहीं, कमियां दिखाता रहता है। उद्योगपति आएगा, रोड पर आए ना, इतनी बारी नहीं आता विपक्ष, सारी कमियां उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आदमी को आने की बारी होती है, शांत बैठ जाता है, रोड पे है, जब सारी बातें बोली जाए तो विमुख हो जाए। मैं तो आंकड़े की बात बोलूंगा, सरकार बनाएंगे क्या? चिल्लाने दीजिए, केवल 3 जिले ना आप मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं 25 करोड़ में से 15 करोड़ लोगों के खाने के लिए नहीं है। 6 साल से क्या कर रहे थे ये? बाकी पेपर बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी? 25 करोड़ में से 15 करोड़ जनता के पास खाने के लिए नहीं था। बोले दीजिए मदन भाई को, बोले बोल रहे हैं, हो चुका था। 500 कंपनियां आ चुकी थी, बोले दीजिए मदन भाई को। नौकरी मिल चुका था। सपा के लोग तो बोले ही ना, क्योंकि 2012 से 17 तक का कार्यकाल भी देखा है लोगों ने, इसलिए केवल उस पर भी चर्चा होगी तो बहुत सारी बात होंगी। कार्यकाल देखा जा रहा है, जो देखा था आपने देखा है, आपका कार्यकाल देखा जा रहा है, आपका कार्यकाल आपके आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं। रमीन भाई और अगर हिम्मत है आपकी सरकार में, अगर हिम्मत है आपकी सरकार में तो श्वेत पत्र जारी कर दे जाए। हम तो चुनौती देता हूँ, बैठेंगे कुशल भाई प्लीज, उसका हम बताएंगे कि क्या किया था आपने, और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आप आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। बाकी मेहमान भी है, ठीक है, ताकि भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। इस यात्रा कैसे देखते हैं और मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे कैसे देखते हैं? जी जल्दी बोलिए, समय कम है जी। देखिए, राहुल गांधी की पदयात्रा है, वो मैं कई बार कह चुका हूँ, राहुल गांधी जिस लक्ष्य को लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं, मेरी उनके साथ शुभकामनाएं, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। और सबने शुभकामनाएं, कोई भी काम कर रहा, कोई पार्टी, सारी पार्टियों को हमारी शुभकामनाएं है, वो अगर उससे देश का भला हो रहा है, जनता का भला हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है। केजरीवाल जी ने शुभकामनाएं दी क्या लेटर के माध्यम से? नहीं देना अभी। अरे लेटर के माध्यम से क्या, मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, तकी भाई शुभकामना दे रही थी, हमारी पार्टी शुभकामना मिल गई, प्रवक्ता हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो पार्टी लाइव हो गई। ठीक है, आगे भाई तकी बोलिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लक्ष्य लेके चले हैं, वो लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो। अच्छा। और उनके इस पदयात्रा के बाद भारत के अंदर बेरोजगारी कम हो, भारत के अंदर महंगाई कम हो, भारत के अंदर जो महिलाओं का अत्याचार हो रहा है वो कम हो, ये सब कहा हो। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो पदयात्रा का औचित्य भी समझना
बहुत जरूरी है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि पदयात्रा जब निकली थी तो कहा गया था भारत जोड़ो पदयात्रा है, फिर धीरे धीरे राहुल गांधी की पदयात्रा हो गई और पूरी तरह से राहुल गांधी पे डिपेंड हो गई। जब उन्होंने छुट्टी के लिए ब्रेक लिया तो पदयात्रा थम गई और उस वक्त ये नहीं हुआ कि कोई और वरिष्ठ लीडर आता, खड़के साहब आते जो अध्यक्ष हैं, कहा जाता है कि वो 70 साल के 75 साल के हो गए, वो बुजुर्ग हो गए। तो अगर वो बुजुर्ग हो गए और उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो वो फिर अध्यक्ष क्यों बने? क्योंकि अध्यक्ष का काम होता है ज्यादा काम करना। क्या खड़के साहब को अधिकार दिए गए? खड़के साहब को सिर्फ नाम मात्र के लिए दिन रखा गया है। यात्रा पूर्व निर्धारित, तो हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की डिपेंडेंसी आज भी गांधी परिवार पे पहले की जैसे ही है, कम नहीं हुई है और बढ़ गई है। तभी क्या और जो भी जो भी प्रक्रिया की गई थी वो सिर्फ दिखाने के लिए, देश जनता को धोखा देने के लिए की गई थी। अच्छा, तो उसके अंदर जो है कुछ हम मुझे होता बदलता नजर नहीं आ रहा है। इस नफरत और डर इतना इतनी देर तक डिले रखा, चुनाव हुआ, चुनाव में जो लोग नॉमिनेट हुए उसमें खड़गे साहब चुने गए, तो उसके वाले खड़गे साहब कहीं आगे नहीं आ रहे। राहुल गांधी देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे दुबे जी बोले। आपने उनको बड़ा नाराज कर दिया भाई, वैसे ही उग्र है आज वो। और सच जाकर मैंने तो सच बात कही थी। और अगर मैं तो भाई सच बोल रहा था, इनको अगर बुरा लगा, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं उसके अंदर? भाई मैं तो सच साफ बोल रहा हूं। आपका चैनल भी कहता सच और सरोकार, तो मैं सच बोल रहा हूं। दुकान खोलने के लिए हमें तो उसी की प्रथा, उसी को लोग आरएसएस के उन्हें गाली देते हैं। उन्होंने कहा जी प्लीज, जो भी नहीं लगेगा मुझे भी नहीं बुरा लगेगा। बोल लीजिए, बोल लीजिए, तकिए बोलिए। तकिए भाई की आवाज चली गई है, आवाज आ रही मेरी? बोलिए बोलिए बोलिए, तकिए भाई बोलिए जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे योगी जी ले गए इन्वेस्टमेंट के लिए और उद्योग लाने के लिए महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ पहले उत्तर प्रदेश के हालात तो ठीक कर दीजिए। अच्छा। उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे आती नहीं। अच्छा। बिजली के रेट बहुत महंगे हैं, सड़कें ठीक नहीं, बिजली 24 घंटे कहाँ आती है? अगर इन्वर्टर बंद कर दिए आपको समझ में आएगा बिजली कितनी देर आती है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास लगातार बिजली दी जाती है, और बताइए यहाँ गड्ढे ठीक से नहीं भरे हुए, गड्ढों में पानी भर जाता है, रोड एक्सीडेंट इतना ज्यादा होता है, पुलिस का अत्याचार एक दिन बढ़ता जा रहा है, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर वन है। अच्छा। महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, डर का भय का वातावरण है, लोग बाहर निकलने से डरते हैं, सोचते हैं यूपी में कुछ हादसा ना हो जाए। अच्छा। तो जो योगी जी जो उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उद्यमी जो पैसा लगाएगा वो देखता है लॉन्ग टर्म में उसको क्या बेनिफिट है। वो रिश्तेदारी निभाने के लिए तो उद्योग लगाएगा नहीं, ये बीजेपी खुश करने के लिए, उसको अपने पैसे के रिटर्न चाहिए, वो उसको दिख नहीं रहे। आप देखिए जहाँ जिस महाराष्ट्र में टहल रहे हैं उस महाराष्ट्र में ज्यादातर कारीगर आपको उत्तर प्रदेश ही मिलेंगे। कितना कितना दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कि हमारे कारीगर, हमारे कुशल वर्कर, ये जिन्होंने महाराष्ट्र को बनाया है, वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर मिल रहा उनको, उनके कौशल को उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बातें बड़ी बड़ी कर दी हमने। चलो ठीक है। और गौरव जी मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा मुझे समय दीजिए कि मैं पूरे भारत में घूमा हूँ। अच्छा। और विदेशों में भी गया हूँ, दुबई वगैरह भी देखा मैंने। अच्छा। तो वहाँ आपको मैंने बहुत बड़ी इमारतें देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, कश्मीर में बड़े खूबसूरत घर देखे, तो मैंने सोचा यहाँ के कारीगर तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ जब मैंने पता किया तो देखा कि वहाँ का लेबर काम करने वाला आदमी उत्तर प्रदेश का है। आपने दिल्ली देखी है? दिल्ली भी देखी है, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ देखा है। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कारीगरों के हाथों में भगवान बसता है। अच्छा। वो जादूगर लोग हैं, अच्छा काम करते हैं दिल्ली में, लेकिन वो दुर्भाग्य है कि सरकारों ने उनके लिए काम नहीं किया। यही मजदूर कोरोना के अंदर दिल्ली की सड़कों, दिल्ली से निकल के उत्तर प्रदेश की सड़कों भटक रहे थे, इनको लेने के लिए बस नहीं भेजी इन्होंने। चलो ठीक है, मुझे सब पता है। कितने लोग बेचारे सड़कों पे मर गए भूख से, प्याज से, एक्सीडेंट से, उनकी खबर नहीं ली इन्होंने। और बीजेपी की जब प्रधानमंत्री यात्रा हुई 5,000 बसें फौरन उपलब्ध हो गई। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। पवन जी आपसे बेहतर मूल्यांकन कौन करेगा, करिए। गौरव जी जी, आदित्यनाथ योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेयर पे आए हैं, नो डाउट काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठाना अभी तक किसी ने उठाया ही नहीं है जी। उठाने के लिए चिल्लाना अलग बात हो गया, शोर मचाना अलग हो गया जी। ठीक है, लेकिन कहीं कुछ अभी ऐसा दिखने को नहीं मिला है जी। ठीक है, उनकी ईमानदारी पे कहीं कोई शंका नहीं किया जा सकता जी। अब रही बात उत्तर प्रदेश जी। उत्तर प्रदेश ना तो जम्मू कश्मीर है, सभी 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 से हम बात करेंगे, सभी सभी की बात रखेंगे, ना वो जम्मू कश्मीर है और ना ही दिल्ली है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश
में जनसंख्या की तुलना में बहुत ज्यादा है। और यहाँ का मैनेजमेंट ये हम आप सभी लोग साथ में हमारे बीच में हमको आपको छोड़ के चार प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, ये सब देखे हुए हैं जी। इसी उत्तर प्रदेश में जी। इसी पिछले 25-30 वर्षों में जो जंगल राज था जी। ये भूला नहीं गया है। हम लोग जब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे ठीक है, घाट घाट पर पानी रहते थे, वो दिन भूल गए हैं आप ठीक है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो काम हुआ है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, सबने किया, लेकिन जो हम पिछले जो इधर का जंगल राज के बाद का जो काम हुआ है उसके हम थोड़ी सी दो उदाहरण हम आपको देंगे, उस पर याद करिएगा। एक तो हमारी आपके जितने प्रवक्ता महोदय में हैं सबकी माँ और बहनें सुबह भोजन करती थी, दिन भर कम करती थी, नहीं करती थी, क्योंकि सोच के लिए उनको बाहर जाने के लिए विचार करना पड़ता था। आज घर घर शौचालय अगर है, जिसने भी दिया उसकी तारीफ होनी चाहिए। आज घर घर अगर ऐसे सब्जेक्ट पे अगर कोई हंस रहा है तो इससे बड़ा महामूर्ख कोई होगा नहीं। मेरी बात को समझिएगा, हम सभी के लिए कह रहे हैं। आप बोलिए, सुनिए पत्रकार महोदय, मुख्यमंत्री जी को ऐसे क्यों छीट रहे हैं? मतलब नहीं चलना, मतलब सुनिए, सुनना सीखे पहले आप। ये पत्रकार एक ऐसे पत्रकार का शब्द है क्या? मामूत का ना आपके सवाल का जवाब कैसे किया है? आप ये बताओ, ये पत्रकारिता का शब्द है क्या? ये सुनिए, कितने बड़े पत्रकारिता का शब्द है ये? आप बताइए क्या मामूर काना पत्रकारिता का शब्द है? श्रीमान जी आप सुनिए, या व्यक्ति पत्रकार हो ही नहीं सकते हैं, किसी हालत में नहीं हो सकते हैं। जानता हूँ मैं जिस स्तर के हो, मुझे पता है। आप क्या सुनाइएगा? आपके शब्द से पता लग गया, आपको सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं, आप अपना सवाल शब्द से पता लग गया कि आप क्या हैं, हमारे आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। न तो सुनने की आवश्यकता है, आंदोलन होता है क्या? सड़क पे नहीं निकलते अखिलेश यादव जी है, सड़क पे नहीं आते। आज मुख्य विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं सड़क पे आ रही है। अगर इनको भाजपा की कमी दिखाई पड़ रही है, बोलिए जो बोलना हो आपको जी। आप अपने शब्द वापस लीजिए, कोई मामूर नहीं है। सुनिए पहली बात सुनिए, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो मामूर नहीं है। आप अपने शब्द पत्रकारिता का शब्द कभी भी नहीं हो सकता है। स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता में किसी भी पत्रकार ने किसी को मामूर नहीं कहा है। यहाँ तक कि कोई विरोधी पार्टी किसी को मामूर नहीं कही है। पत्रकार जिस सब्जेक्ट पे नहीं, वो कहा देखिए, मैंने गलत कहा है। आज महिलाओं की बात है, मैंने गलत कहा है। सोच की बात हो रही है, उसमें आप फंस रहे हैं। मैंने गलत कहा है, आप फंस रहे हैं। और बात का जवाब नहीं हो सकता है। महिलाओं की बात अगर हो रही है उसमें आप फंस रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि मैंने गलत शब्द कहा है। ये दुर्भाग्य है अगर महिलाओं की बात, उनके अर्थ से पत्रकारिता नहीं चलेगी, उनके अर्थ से ये देश नहीं चलेगा। सभी के लिए कह रहे हैं, अगर ऐसे सब्जेक्ट हम सभी के लिए, नहीं मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। उन्होंने सारे पैनलिस्टों को कहा है, उन्होंने जनता के लिए कहा है, और ये पत्रकारिता का शब्द नहीं है। क्या आपने अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में हम जो कहना चाहते हैं उसको सुनिए क्या? हम कह रहे हैं अगर और इनको संवैधानिक शब्द बोलना नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को चैनल पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। जो महिलाओं के सम्मान की बात, संवैधानिक शब्द बोलना नहीं आता हो, जो महिलाओं के सम्मान की बात, क्या बताएंगे? किस चीज के बारे में बताएंगे? इस पे अगर आप फंस रहे हैं तो आप महामूर्ख हैं। अगर महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है उस पे आप फंस रहे हैं तो महामूर्ख की बात है। महिलाओं के सम्मान की बात, गरीबों के पत्रकार है ही नहीं। अरे सुनिए, हम विरोध कर रहे हैं, विरोध के बाद भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और अगर अगर आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं तो सुनिए, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं तो चिन्मयानंद एक, चिन्मयानंद दो बलात्कार में, दो बलात्कार में फरार है, कहां गई कानून व्यवस्था? कौन हंस रहा है उस पे? आदर्श की बेटी को
व्यवस्था दिया गया, कहां भी कानून व्यवस्था। आपने सरकार सुने, जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मुख्य विपक्ष की। अरे अरे चिन्मयानंद पे बात करिए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, चिन्मयानंद पे बात करिए। हम पत्रकार है ना, अपने हाथों का समस्या हमने समस्या थी, दो बलात्कार के मामले, दो बलात्कार के मामले फरार है वो। सच सुनना, महिलाओं के सम्मान की चिंता है ना। पांच लाइन बोल दीजिए, इतना पत्रकार महोदय सुनिए, अब कहाँ आया। भारतीय जनता पार्टी देश के शीर्ष पर है, हाथरस की बेटी को जला दिया गया, बोलिएगा। सुनिए, ये आंखों में आंसू निकलते थे, धुएं के आंसू निकलते थे। आज अगर उस जो व्यक्ति फरार घोषित है बलात्कार के मामले में, बोलने को तैयार नहीं है। दिखाने लगे, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक दिखा रहे हैं, हो गया। चौबीस जी ठीक दिखा रहे हैं, बोला जा रहे थे चौबीस जी, कुछ बोला जा रहे, बोलिए बोलिए चौबीस, जल्दी बोलिए भाई। कह रहा हूँ जो जो पत्रकार महोदय ने बोला है, ऐसे पत्रकार महोदय को मत लाया करिए। और रही महिलाओं के सम्मान की बात, महिलाओं के सम्मान में जो हंस रहा है भाई, उन्होंने कहा अगर महिलाओं को इज्जत घर मिले हैं, उनके घर में शौचालय मिला है, तो उसमें उसमें चिन्मयानंद पे बोले ना, फिर चिन्मयानंद पे एक शब्द बोल दे, मान लिया जाएगा तटस्थ है। जो हमारे साथी दिखा रहे हैं, ये घटना दिल्ली में हुई है, हमारी बेटी को, हमारी बेटी को खींच के मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर नहीं निकलते, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी पे जितने असभ्य और कमेंट, भद्दे कमेंट करते थे, तब महिला सम्मान की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। तो आपकी पार्टी के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को, आपके नेता, आपकी नेता, जब बीएचयू में रात को 12 बजे नवरात्रि में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लाठी चार्ज करवाते हैं रात को 12 बजे, उनके साथ छेड़खानी होनी है। बेटी और निर्भया कांड के, निर्भया कांड की जो पीड़िता थी, उसके बहन भाई पिता का आपने साथ दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने दिया और उस पर जांच किया, और कांग्रेस पार्टी की आप तटस्थ नहीं, आप बोले होते कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसे 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 पत्रकारों, ऐसे पत्रकारों की आवश्यकता नहीं है, अल्लाह सुनने की आवश्यकता हम लोगों को। और जब 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 प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री एक माननीय सांसद को चुप रहने का धक्का देते हैं, तो ये पत्रकार क्या कर रहे थे, तो महिला सम्मान बढ़ गया था, कुशल भाई, कुशल भाई प्लीज। हाँ चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी सुनिए, कांग्रेस हम महिलाओं की बात करती है, हम सुनिएगा। हाँ। इससे सहमत आप इसलिए होइएगा। हाँ। कि दिल्ली जब केस हुआ, दिल्ली कांड हुआ, हाँ। उसमें क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गए वहाँ पे? हाँ। उस द्वार तक गए वो, यात्रा छोड़ के, यात्रा चल रही थी, यात्रा चल रही है। हाँ। क्या नहीं, क्या गए आप? आप किस कैसे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री जी गए, आपके मुख्यमंत्री जी बॉम्बे क्यों गए टूर कर रहे हैं? आपके गृह मंत्री जी गए दिल्ली का मामला? नहीं, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में रह के आपके गृह मंत्री जी नहीं गए? आपके रक्षा मंत्री जी गए? दूसरा चोरी करेंगे, आपके चोरी करेंगे, नहीं दूसरा चोरी करेंगे, तभी आक्षेप करेंगे, भाजपा जाएगी तभी जाएंगे, भाजपा जाएगी तभी जाएंगे, सपा जाएगी तभी जाएंगे। जब गुजरात में मोरबी का पुल गिरा था, सपा जाएगी तभी जाएंगे, फांसी लग गई, हम मोदी योगी की बात कर रहे हैं। अरे आप विपक्ष में हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपकी यात्रा चल रही, मेरी बात समझिएगा, आप उलझिए मत। देखिए आप, हम आपकी बात समझ सकते हैं, कांग्रेस ने बढ़िया मेहनत किया इधर, भारत यात्रा जब से जोड़ो यात्रा चल रही है, नो डाउट बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी दो दिन पहले की एक वीडियो देखिए, हमारे घर में महन माँ सब होते हैं, लेकिन सभ्यता होती है, भारतीय संस्कृति है हमारे देश में, हमारे यहाँ खुलेआम बहन से भाई से भी प्यार होता है, इस स्तर से प्यार नहीं जताया जाता है, नो डाउट। हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, देखिए बहुत मेहनत किया है हम, इसी इसके पहले डिबेट पे हमने राहुल गांधी जी की कितनी प्रशंसा की थी, और हमने कहा था एक ना एक गलती ऐसा करेंगे जिस लोगों की नजर से फिर गिरेंगे वो। ये कोई गलती नहीं है, ये हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं सर, दिल्ली मामले में गए तो वहां मिलने नहीं गए तो गलती नहीं है, बाप दिल्ली यात्रा में थे आप, दिल्ली यात्रा में थे आप, भाई बहन ठीक है, किसी को भी स्नेह करे तो, अरे सर, अरे सर, ये स्नेह होता है, ये स्नेह होता है, हमारे भारत संस्कार नहीं मानती इस तरह का स्नेह सर।
लखीमपुर खीरी में जो आपके गृह मंत्री जी लाख की छात्रा के साथ कर रहे थे पूर्व गृह मंत्री जी, वो कौन सी मोहब्बत थी? कहां है वो? वो कौन सी मोहब्बत थी आप बता देते महाशय? इससे की तुलना कर रहे हैं भाई वो? हाँ। तो उनकी क्यों? उनका नाम लेते तो मुझे शर्म आ रही है। उनका उनका नाम तो भ्रष्टाचार। उनका नाम लेते क्या राहुल गांधी जी ने रेप कर दिया था क्या? उनका नाम लेते तो मुझे शर्म आ रही है। आप किसकी नाम ले लिए भाई? नहीं, अगर एक भाई है, अगर अपने बहन को प्रेम कर रहा है, अगर एक भाई प्रेम छोड़ दिए, भाई बाल प्रेम का छोड़ दीजिए, दुकान खोलिए, लोगों के दिल से नफरत निकालिए, ये बताने नहीं गए, ये बताइए, तैयार नहीं है। सुने सुने सुने, कांग्रेस आप ही के एक मंत्री सब मानते हैं। आप ये बताइए, आपकी दिल्ली यात्रा चल रही है, दिल्ली यात्रा चल रही है, परिवार में क्यों नहीं गए? पिछली आप परिवार में क्यों नहीं गए सर? मैंने एक प्रश्न उठाया था, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भगवान राम की नगरी का लड़की का झांसी में बलात्कार होता है, कमेटी रजिस्ट्रार महोदय ने जुलाई में मात्र आपको अपनी कमियां नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं चला? भाई बहन का प्यार ये नहीं होता है? हमारे भारतीय संविधान में, हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता है, हमारे यहाँ भाई बहन का प्यार खुलेआम इस तरह नहीं होता है। नहीं, इसको मानिए, खुलेआम नहीं होता है। हाथरस की तरह होता है, लखीमपुर खीरी की तरह होता है। लेके चले गए आपके पूर्व गृह मंत्री? कहाँ लेके चले जाते हैं भाई? मध्य प्रदेश में आपके मंत्री जो लड़के के साथ कर रहे थे, वीडियो आई थी उसकी तरह होता है। हिमाचल में भी एक वीडियो आई थी आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस तरह से प्यार होता है। अरे आप आपकी भारत यात्रा चल रही थी, जोड़ो यात्रा चल रही थी, आप दिल्ली में गए, आप दिल्ली में उस परिवार में क्यों नहीं गए भाई? उस परिवार में आप क्यों नहीं गए? एक बात, दूसरी बात यह है, भाई बहन का प्यार हमारे यहाँ सत्ता में स्थान नहीं होता। दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे थे, राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन इसका धरा का धरा रह गया, ये धरा धरा रह गया। सरकार बनी, ये ऐसा ही होता है। का बाजार राहुल जी बढ़िया मेहनत करते हैं और फिर सब धो देते हैं, एक गलती कर देंगे सारा धो देंगे। चले, हो गया हो गया हो गया हो गया, मैं सबका बता हर घर में पैदा होना चाहिए। ये है मोहब्बत की दुकान का पवन जी पत्रकार नहीं है क्या? इसलिए क्या कहना चाहते हो? पवन जी पत्रकार नहीं है क्या? पवन जी पत्रकार नहीं है क्या? जो आईने ने खड़े पत्रकार नहीं है क्या? आप दिल्ली में यात्रा कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने चले जाते क्या? तो क्या दिक्कत हो जाती है? चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, हो गया हो गया, चौबे जी, चौबे जी, कहना ये है पवन जी, आप बोल रहे हैं, पवन जी ने तो कहा कि भाई आपकी भारत जोड़ो यात्रा वहां चल रही थी, अगर वहां पर लड़की के साथ गलत हुआ है तो आप यात्रा के साथ समय निकाल के थोड़ा मिलाते पीड़ित परिवार से। अब बोल रहे हैं आप राजनाथ सिंह नहीं गए? अच्छा, अरे बीजेपी जाएगी तब आप जाएंगे क्या? जब बीजेपी जाएगी तब आप जाएंगे क्या? आपका संकल्प नहीं होना चाहिए, महिला सम्मान की बात करते हैं आप। हाँ। मतलब अगर हम किसी बहन बेटी के साथ अगर अप्रिय घटना हो, हमारे नेता चले जाए, हाँ। तो आप कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। अच्छा। और अगर न जाए, यात्रा चल रही है, ये तो पार्टी के अन्य लोगों तो उसकी आवाज को उठाए, हमने इसीलिए हम रुके रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी चले जाते हैं तो आपके आपके पार्टी के नेताओं को होने लग जाती है। हम जनता को दिखा रहे हैं, आपका चरित्र दिखा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चरित्र दिखा रहे हैं। चौबे जी, कुशल जी के लिए इनको नहीं बोलना है। अच्छा। तो एक बार बिजनेस को खुश करना है। अच्छा, कुशल जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस पर नहीं बोलेंगे। आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। हाँ। नहीं बोलेंगे जी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी लोगों के लिए कार्य कर रही है तो इनको पीछी लग रही है। ये बात नहीं पार्टी से कार्य कर रही है, सम्मान कर रही है, उनको माला पहनाती है, उनका सम्मान करती है, बीजेपी के कार्यों से भरी हुई है और महिलाओं का अपमान करती है, जिनमें आने जैसे लोग हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, अभी मनोज मित्तल पकड़ा गया दिल्ली में, जो उसके अंदर कैसे इन्वॉल्व था, इस बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, इतना बड़ा केस है वो, इसमें बीजेपी का चेहरा साफ सामने आ गया है, चेहरा मानी चाहिए बीजेपी को,
आपने बोलते हैं लोग पंजाब के चुनाव महिलाओं के अधिकारों के विधि है लोग ये महिलाओं से बात करते हैं पार्टी के अंदर किसी पार्टी के अंदर नहीं है किसी पार्टी के अंदर नहीं है आरोपियों की बलात्कारियों की भ्रष्टाचार की पार्टी में बीजेपी तो जनता के अधिकारों को हनन कर रही है बोलते हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने उस पीड़िता बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ली है आम आदमी पार्टी लड़ेगी उसका उसके घर के एक व्यक्ति को नौकरी देगी पूरी जिम्मेदारी परिवार में आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है और बीजेपी का चेहरा निकाल उतारेगी ओबीसी विरोधी बीजेपी महिला विरोधी बीजेपी महिलाओं का अपमान करने वाली बीजेपी कुशल भाई हो गया कुशल जी बोले 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 क्या बोले कुशल जल्दी बोले गौरव भाई जी हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के विकास की और उन लड़की को काटा गया बात कर रहे थे कि हम वो आंकड़े दिल्ली में हाईकोर्ट ने डांटा फटकारा आपको तो आपने कार्रवाई करी क्या किया आपने आपने बेशरम लोग हैं डरपोक लोग हैं बलात्कारियों से भरी बीजेपी रेपिस्टों से भरी बीजेपी भ्रष्टाचारियों से भरी बीजेपी किन्नर से भरी बीजेपी कितने एमएलए हैं उसमें नाजर कौन है कितने मंत्री हैं सबके पास संकेत किस लगे केशव प्रसाद मौर्य हो और आपके अंतिम नाथ हो सारे लोगों पर सीएस गंभीर आरोप लगे हुए भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी डरपोक पार्टी बीजेपी बलात्कारियों से भरी हुई पार्टी बीजेपी सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने मुंह में काला पहन लगा के घूमिए आप लोग हो गया जल्दी पार्टी से अपनी देखिए देखिए ये जो महिलाओं का सम्मान न कर पाए ऐसी पार्टी में काम करने को फायदा नहीं की थी उत्तर प्रदेश के विकास की थी लेकिन हर बार की तरह फिर बाद ये डिबेट जनता से हट के व्यक्तिगत मामलों में व्यक्तिगत आक्षेप पे चली गई विकास की बात एक पत्रकार महोदय ने ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो पत्रकार में असंदर्भ शब्द कहा जाता है बीजेपी कोई नाता नहीं है विकास की बात हम लोगों को प्रचार काल की बात करती है पिछले समय प्रांत की बात करती है विकास की बात करती है जो लोग गोबर की बात करे वो विकास करेंगे सरकार माहौल बना रही है उसको जब इन्वेस्टर समिति आ जाएगा मान लेते हैं कि 10,00,000 करोड़ रुपए का टारगेट लेके चले हैं ये 10,00,000 करोड़ रुपए लगाने के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं आज तक घोषित नहीं कर पाए हैं एक भी स्पेशल इकोनॉमी जोन उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया है तो अगर 10,00,000 करोड़ रुपए आएगा ईश्वर करे आ जाए क्योंकि इसमें हमारा आपका सबका भला है बिल्कुल फिर कह रहा हूँ ईश्वर करे आ जाए लेकिन वो 10,00,000 करोड़ रुपए आएगा कहाँ की जमीन पे लगेगा ये फिर ये मुंगेरी लाल के हसील सपने में इन्वेस्टर समिति उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो बोला है वो करके दिखाया है मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ नहीं किया है सिर्फ बोला है सिर्फ अखबारों में इश्तिहारों में धरातल में कुछ नहीं उतरा क्या गड्ढे भर के सारे आज ही गड्ढे हैं उत्तर प्रदेश में हुआ घटना भी आप देख रहे हैं आप पूरे के घर में बेरोजगार कर दिया हमको ऐसे आप पूरा ऐसे तो बजट पूरा बना दिया 15 करोड़ रविंद्र भाई हो भुखमरी को शिकार कर दिया यही भाजपा ने करके दिखाया है ये आंकड़े आपके हैं हमारे आंकड़े नहीं है यही भाजपा ने करके दिखाया पवन जी एक मिनट रविंद्र बोल रहे थे कि आपने असंसदीय भाषा का उपयोग किया है उसके लिए आप माफी मांगो इस तरह नहीं बोलना चाहिए जल्दी बोलिए आगे कमेंट बोलिए गौरव जी रोड पर उतरेंगे हमने जो बोला है पूरी दुनिया सुन रही है आप लोगों ने पवन जी की बात सुन के बड़े मुझे बहुत दुख हुआ कि पत्रकार इस तरह की भाषा बोल रहा है अच्छा, इस तरह की बात कर रहे हैं अरे कोई राहुल गांधी अपनी बहन को प्यार कर रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं बात कर रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते की बात करते हैं आप भाई बहन प्यार कर रहे हैं
जिस सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही थी हमने शुरुआत किया था और वहां से ले जाकर वो धोख की तरफ हम ले जाते जी, तो आज हो रहा है जी, लेकिन बीच में लोग आदत से मजबूर हैं। पवन जी भारत में आदमी सड़क पे पेशाब कर सकता है, मुंह सकता है, लेकिन प्रेम निकाह इजहार नहीं कर सकता। अपने भाई बहन को ये देश बनाया आपने। तकी साहब रुक जाइए, अच्छा लगे। थूक रहा था तकी भाई, सुन लीजिए, तकी भाई जवाब ले लीजिए, तकी भाई से बोलने दीजिए, जवाब ले लीजिए। शर्म नाम लगता है, मेरा अनुरोध है पवन जी को बोलने दीजिए, मेरा अनुरोध है बोलने दीजिए। सुनिए, ये जो है इस सब्जेक्ट पे हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं के सम्मान पे। अगर महिलाओं के सम्मान पे हमने कहा कि मोदी जी ने या जिसने भी शौचालय निर्माण कराया घर घर, अब सुनिएगा, अगर सभी लोग होंगे तो बीच में कोई बोलेगा नहीं, सर निवेदन है जी, अगर निर्माण कराया तो बुरी बात नहीं। अगर इस सब्जेक्ट पे कोई हंस रहा है तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। फिर हम दोहरा रहे, अरे कहां शौचालयों का निर्माण करा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री आवास के पास पर आप देखिए सुबह सुबह आपको लोटा ले जाते हुए दिखाई देंगे। कहां शौचालय बना दिया बताइए, कितने शौचालय बना दिए? अगर आदित्यनाथ योगी जी सड़क पे निकल जाइए आप, मेरे साथ गांव में चलिए, मेरे साथ दिखाता हूं मैं आपको। सरकार बनाए हैं, उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उद्योगपतियों के मन के अंदर डर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि जो जंगल राज था यहाँ पर, यहाँ पे लूट खसोट जो होता था उससे डर लगता है लोगों को। पवन जी की बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुखद बयान दिया है, दिल को आघात लगा इस बात बात कीजिए। यमुना को साफ करिए सर, यमुना को साफ करिए और इस सच्चाई को सुनिए। बाकी उत्तर प्रदेश में अगर आज भारत न होगा, इस 5 बरस में मुझे लग रहा है अच्छे अच्छे उद्योगों को लाके लगा देंगे तो न या तो जमीन की कमी है, न बिजली की कमी है, और न यहाँ काम करने वालों की कमी है। कमी है तो केवल विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाने वालों की, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी महत्वपूर्ण और चर्चा थी भारत जोड़ो यात्रा पर, चर्चा थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर जो की निवेश के लिए किया गया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर तमाम तरह की बातें रखी गई, बड़ी बड़ी बातें कही, बड़े बड़ा महिमा मंडन किया गया। पर महिमा मंडन करने से पहले सब लोग ये तो समझे कि अगर राजनीति करनी है तो ट्वीट बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया की राजनीति मत करिए। अगर वास्तव में चाहते जनाधार बढ़े या वास्तव में चाहते जनता आपको नोटिस करे या चाहते हैं कि जनता आपको अपना जनाधार दे तो उसके लिए राजनीति को थोड़ा अलग करिए और थोड़ी राजनीति धरातल पर। अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश में सारी कमियाँ हैं तो विपक्ष रोड पर क्यों नहीं आता, और विपक्ष रोड पर आना नहीं चाहता है या क्या कमजोरी है या क्या मजबूरी है वो विपक्ष जानता होगा या फिर जानती है जनता। पर जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, धरातल पर नहीं आएंगे, ट्वीट की राजनीति करेंगे, तब तक यही होता रहेगा और सरकारें यहाँ पर अपने आप की परंपरा को लगातार बनाए रखेंगी। अगर वास्तव में आप चाहते हैं जनता आपको नोटिस करे तो कुछ संघर्ष जनता के मुद्दे पर करिए। जैसा कि हमने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और वहां पर अगर कोई परिवार को पीड़ित है तो थोड़ी सहानुभूति के मलम उनकी भी बनती है, क्योंकि जनता भी आपकी है। अगर सत्ता पक्ष से आपकी नहीं बनती वो अलग बात है, पर जनता न सत्ता की होती है न विपक्ष की होती है, जनता देश की होती है, जनता सबकी होती है, और जनता सबकी है। जनता ख्याल रखिए, बनाए रखिए, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।